मैं हूँ फरानास, DCA 35 कौथम कराची से, और मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन टेम्पोरा। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे चिकन की। तो 500 ग्राम चिकन ले लिया है मैंने, और इसमें सोया सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, और इसमें मैं डालूँगी सिराचा सॉस, शंग्रेला का सिराचा सॉस होगा 1 टेबल स्पून, ये भी मैंने डाला है 500 ग्राम चिकन में। और उसके साथ ही सॉल्ट एंड पेपर 1/4 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर है, और सॉल्ट एज पर टेस्ट डालेंगे। उसके साथ ही हम पेपरिका पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। थाइम ऐड करूँगी मैं इसमें 1/4 टीस्पून, और जो है इसको रख देंगे फ्रिज में 10-15 मिनट्स के लिए। फिर मैं आपको बताती हूँ मैरिनेशन करने के बाद इसका सेकेंड स्टेप, और फिर इसको फ्राई करेंगे। अब ये जो है हम चिकन टेम्पोरा का बैटर बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लेंगे मैदा 1/4 कप, और 1/3 कप जो है वो कॉर्नफ्लोर लेंगे, सॉल्ट एंड पेपर लेंगे, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून लेंगे, 1 अंडा लेंगे और पानी लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैदा डाला एक बाउल में, तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक तरफ कर लेंगे, मैदा, कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट एंड पेपर, बेकिंग पाउडर, और एग को हम हल्का सा बीट करके इसमें ऐड करते हैं। इन तब पानी ऐड करेंगे और एक बैटर तैयार करेंगे। ये हमारा चिकन जो हमने मैरिनेट किया था विद शंग्रीला के सिराचा सॉस, सोया सॉस और विनेगर से हमने इसको मैरिनेट किया था सॉल्ट पेपर के साथ। और सेकंड हमने ये बैटर जो रेडी किया है वो भी रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप, ऐसी होनी चाहिए। तो आइए हम इसको बनाते हैं। पहले हम इस बैटर को लेंगे, और ये ऑयल हमने जो है वो गरम कर लिया है। चिकन की स्ट्रिप्स को हम इसमें डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसी तरह करके सारी हम स्ट्रिप्स को फ्राई कर लेंगे। लोग देख लें आप, इसको दोनों साइड से हल्का सा ब्राउन करना है, और फिर इसको हम सर्व करेंगे। तो ये हमारी चिकन टेम्पोरा की फाइनल लुक। देखें और ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि कैसे बने। थैंक यू।